सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरे पास हिप हॉप कम्युनिटी से रिलेटेड काफी अपडेट्स हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। पहली अपडेट अब्दुलरोजी की तरफ से है। आप लोगों को अब्दुलरोजी और एमसी स्टैन की फाइट के बारे में तो पता ही होगा, बट रिसेंटली अब्दुलरोजी ने एमवे बंटाई की न्यू पोस्ट पर हार्ट कमेंट किया है एंड एमवे बंटाई ने भी उन्हें फायर एंड हार्ट का इमोजी दिया है। तो आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई सीन चल रहा है, कमेंट में बताना। एंड नेक्स्ट अपडेट फुकरा इंसान की तरफ से है। तो फुकरा इंसान ने एमवे बंटाई और एमसी स्टैन की फाइट के ऊपर अपने इंस्टा लाइव में कुछ ये कहा। गाना कैसा लगा भाई? टू बी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मेरे को ऐसे मेरा पूरा सिचुएशन देखा ना कि एमसी स्टैन को एमवे ने फुल सपोर्ट करा था कपिल जब वो बिग बॉस के अंदर था, और जब कोई तुम्हारे को सपोर्ट कर रहा है, सामने से इनिशिएट कर रहा है कि भाई मैं दोस्ती कर लेता हूँ, दोस्ती करते हैं, सारी बातें पुरानी भूल जाते हैं, तो भाई फिर तुम उसको जाके अगर पोक करोगे तो वो गलत है। एमसी स्टैन ने गलत करा था पोक करके कपिल शर्मा शो में। तो भाई फिर तुम्हें पता है एमवे बीफ के मामले में तो भाई पीछे हटता नहीं है ना, ये तो यू शुड नो इट। एंड सही है भाई, मतलब पूरी इंडस्ट्री ना पीछे पीछे कहीं ना कहीं एमवे को बहुत पोक करती है, और मतलब इन्फ्लुएंसर्स भी एमवे को अगेंस्ट है बहुत ज्यादा। भाई ठीक है भाई, उस बंदे ने जितना कमाया है 20 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत कमाया है भाई, तो इज्जत तो यार हर 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 बंदे की करनी चाहिए। मतलब मैं ये सोचता हूँ एमवे ऑल्सो डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट। एमसी स्टैन को बहुत पसंद है, कृष्णा बहुत पसंद है, बट यू कांट इग्नोर एमवे यार, क्रेजी। और जो ट्रैक था 8 मिनट भाई, गुड, वो तो बहुत क्या लाइफ थी भाई, क्रेजी भाई, क्रेजी क्रेजी भाई। और